हेलो एवरीवन, देखिए चैप्टर सिक्स में थ्योरम 6.2, जो कि आपको पता है कन्वर्स ऑफ बीपीटी भी बोलते हैं इसको, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। तो कन्वर्स पता भी बोलते हैं हम इसको, तो पहले देखते हैं कि क्या कह रहा है ये, ठीक है। देखो थ्योरम 6.2, और ये आपको जो है पेज नंबर मिल जाएगी आपके 126 पे, 126 पेज नंबर पे, ठीक है, एनसीईआरटी में, क्लियर। देखो इसमें क्या कह रहा है थ्योरम 6.2 में, कह रहा है इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये बिल्कुल ही उल्टा बोल रहा है जो कि बीपीटी में कहा था इसने। बीपीटी में क्या प्रूफ करना होता था आपको, रेशियोज के बारे में, ठीक है। यहाँ वो रेशियो को क्या कह रहा है, सीधी सी बात है, डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, ये तो खुद बता रहा है। वहाँ प्रूफ करना था सेम रेशियो वाला, और लाइन पैरेलल टू द थर्ड साइड, वहाँ लाइन पैरेलल टू द थर्ड साइड क्या होती थी, हमें गिवन होती थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ प्रूफ करनी है, कैसे कह रहा हूँ मैं ये चीज़, देखो जरा, वही सेम ट्रायंगल बनेगा आपके पास, इसको मैं मान लेता हूँ ए, ये बी और ये सी। ये कह रहा है इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, ठीक है। एक लाइन है, ये लो, ये मैंने एक लाइन लगा दी, इसका नाम दे दिया मैंने डी और ये दे दिया मैंने ई। ये सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है ए बी को भी और ए सी को भी। तो ये कह रहा है कि आपको ये प्रूफ करना है कि ये लाइन पैरेलल है इस थर्ड साइड के, बेसिक बात ये। तो गिवन क्या है, उसने बोला था क्या, टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, एक लाइन जो हमने ड्रॉ करी है डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, मतलब दिस अपॉन में दिस इक्वल टू दिस अपॉन में दिस, ये चीज कह रहा है वो। तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं हम, जो भी वो बोला है, ए डी बाय डी बी, ये गिवन है, इक्वल टू ए ई बाय ई सी कह रहा है वो, इक्वली डिवाइड कर रहा है वो, यही बोल रहा है। लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो। सेम रेशियो का मतलब ये नहीं होता कि इक्वल डिवाइड कर रहा है, देखो बेसिक बात, कि ए बी को इक्वली डिवाइड कर रहा है, ये सेम रेशियो का मतलब नहीं है, ठीक है। सेम रेशियो का मतलब यही है, अगर ऊपर से कट कर रहा है, ये सेम है, अगर ऊपर से ये कट कर रहा है, ठीक है, ऊपर से कैसे कट कर रहा है, सपोज करो यहाँ लाइन लगा दी, तो ये छोटा भी हो सकता है, ये बड़ा भी हो सकता है, सेम इधर ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा, ठीक है, तो बराबर ही है ना। इधर अगर टू है, इधर भी टू है, इधर फोर हो सकता है, ये भी फोर हो सकता है, तो 2/4 इक्वल टू 2/4, ऐसे कह रहा है वो, ऐसा कुछ नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल ही सेम डिवाइड कर रहा है, तो मतलब ये टू है, ये टू है, ये भी टू है, ये भी टू है, ऐसा नहीं कह रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन में भी समझ में आ जाएगा आपको, आगे 6.2 एक्सरसाइज है उसमें पता चल जाएगा क्लियर जो बात बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक मेन बात क्या थी, कि उसने बोला था कि लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, तो मतलब AD बाय DB इक्वल कह रहा है AE बाय EC, ये गिवन है मेरे पास, ठीक है। तो टू प्रूव क्या करना है इसके अंदर, टू प्रूव क्या करना है, लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, ये लाइन जो है पैरेलल है इस थर्ड साइड के, तो मतलब ये है कि ये DE जो है पैरेलल होगा किसके, BC के, ये बात है, क्लियर। तो इसको करेंगे कैसे हम, देखो सबसे पहले तो इसमें कंस्ट्रक्ट करो कुछ, क्या कंस्ट्रक्शन करनी है, ये मैं मान लेता हूँ कि ये मान लो ये मैंने एक F पॉइंट क्रिएट कर दिया और ये लाइन DF है, ठीक है। तो इसमें हमने ये बोल दिया कि ये जो DF है ये पैरेलल है BC के, ये मैंने कंस्ट्रक्ट करा, क्या कंस्ट्रक्ट किया, DF पैरेलल टू BC, क्लियर है, अभी धीरे धीरे आ जाएगी समझ में, ठीक है। अब प्रूफ देखो जरा, प्रूफ में सबसे पहले आप क्या कर लो, सपोज DE इज नॉट पैरेलल टू BC, ये हमने सपोज किया, ठीक है, तो एंड DF पैरेलल है आपके पास BC के, कहां से आई ये, बाय कंस्ट्रक्शन, ये कहां से आई आपके पास, बाय कंस्ट्रक्शन, क्लियर। अगर ये बाय कंस्ट्रक्शन ये आई आपके पास, तो BPT से आपके पास क्या आ जाएगी, AD, अगर BPT में ये तो पढ़ा था ना कि अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो वो क्या करते हैं, सेम रेशियो में डिवाइड होती है, क्लियर। तो AD अपॉन में DB इक्वल टू AF अपॉन में FC, AF अपॉन में FC, AE बाय EC मत कर देना, क्योंकि DF को पैरेलल ले रहा हूं मैं BC के, तो F है अब ये पॉइंट, AF बाय FC आएगा, कहां से आया ये, बाय BPT, या आप इसको थेल्स बोल सकते हो, बाय थेल्स थ्योरम। इसको इक्वेशन मान लो आप फर्स्ट, ये फर्स्ट इक्वेशन मान ली हमने, क्लियर है। अब देखो ये फर्स्ट है और आपके पास जो गिवन था वो क्या था, AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC, ये आपके पास गिवन था, ये ऊपर से यहाँ पर ये गिवन था, तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर गिवन, और ये आपकी बन गई सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखो ध्यान से, फर्स्ट एंड सेकंड में क्या AD बाय DB, इधर भी AD बाय DB है,
लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो ये राइट हैंड साइड आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, ए एफ बाई एफ सी इज इक्वल टू में ए ई बाई ई सी। बताओ क्लियर है या नहीं है ये बात? नहीं, देखो अब क्या जाएगा आपके पास इसमें, ए ई बाई ई सी इज इक्वल टू ए एफ बाई एफ सी। क्लियर इतनी बात? ये इक्वल आ गया आपके पास, ए ई बाई ई सी इक्वल टू में ए एफ बाई एफ सी। अब क्या करो, दोनों तरफ वन को ऐड करो, देखो क्या होगा, दोनों तरफ अगर वन को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए ई बाई ई सी प्लस वन इक्वल टू ए एफ बाई एफ सी प्लस वन। एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, यहाँ नीचे ई सी, ऊपर आ जाएगा ए ई प्लस, और ये यहाँ पर आ जाएगा ई सी। एलसीएम तो लेना आता है ना सभी को, ये एफ सी डिवाइड होगा वन और ये ए एफ से मल्टीप्लाई होगा तो ए एफ प्लस, ये क्या हो रहा है आपके पास डिवाइड होगा तो एफ सी आ रहा है, एफ सी को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये आएगा एफ सी। क्लियर? अब देखो ध्यान से जरा, आपके पास ए ई प्लस ई सी देखो क्या है, ध्यान से ए ई प्लस ई सी देखो क्या है, देखो ये रफ फिगर, ए ई प्लस ई सी टोटल क्या बन गई है, ए सी, तो मैं इसको ए सी लिख सकता हूँ, ठीक है। और ए एफ प्लस एफ सी देखो, ए एफ प्लस एफ सी, ए एफ प्लस एफ सी, ये भी क्या बन गई, ए सी, या नहीं? तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि नहीं, ए ई प्लस ई सी भी क्या है आपके पास, ए सी, और ए एफ प्लस एफ सी भी क्या है आपके पास, ए सी। तो मैं यहाँ लिख दूँ, पुट कर दूँ इसको, तो देखो यहाँ पर कर देता हूँ मैं इसको इधर, ये आएगा आपके पास ए सी अपॉन में ई सी इक्वल टू ए सी अपॉन में ई सी। क्लियर? तो ए सी से ए सी कट आउट होगा या नहीं, सॉरी यहाँ एफ सी है, यहाँ क्या है, ये एफ सी है, ये देखो ये एफ सी था इधर ई सी, और इधर क्या था, एफ सी, और ए ई प्लस ई सी क्या बन गया था, ए सी, और ए एफ प्लस एफ सी भी क्या बन रहा है डायग्राम से आपके पास, ए सी बन रहा है। क्लियर? तो ये तो कट आउट हो गया, ए सी ए सी, क्या बचा, एफ सी को इधर ले जाओ, अगर एफ सी इक्वल टू ई सी, एफ सी इधर और ई सी, तो ऊपर तो वन वन रह गया था कि नहीं, तो ये क्या बचा आपके पास, एफ सी इक्वल टू ई सी या ई सी इक्वल टू एफ सी। अब ये वाली आप लाइन को जरा ध्यान से देखो, एफ सी इक्वल टू ई सी कह रहा है, मतलब ये देखो आप यहाँ पर, ये एफ सी इक्वल टू कह रहा है दिस ई सी, ये पॉसिबल हो सकता है, कब पॉसिबल हो सकता है, जब ये एफ और ई ए की पॉइंट हो, सीधी सी बात है, तभी तो ये एफ सी इक्वल टू ई सी हो सकता है। बात समझ रहे हो कि नहीं, ध्यान से समझो, ये वो कह रहा है कि अब जो हमारे पास आया वो क्या क्या आया है, एफ सी इक्वल टू ई सी, ये एफ सी है और ये ई सी है, ये इक्वल कब हो सकते हैं, जब ये एफ भी यहीं पर होगा, सीधी सी बात है, ए की पॉइंट होगा, तो आप क्या लिख सकते हो यहां पर, दिस कंडीशन इज पॉसिबल ओनली इफ ई एंड एफ आर ऑन सेम पॉइंट। ये कंडीशन कब पॉसिबल हो सकती है, जब ई और एफ सेम पॉइंट पे होंगे। तो इसका मतलब क्या है, ये ए की पॉइंट है, ई और एफ ए की पॉइंट है, और आपको पता है आपने इन्हें कंस्ट्रक्ट किया था डी एफ पैरेलल टू बी सी, ये किया था आपने कहां से, बाय कंस्ट्रक्शन डी एफ पैरेलल टू बी सी। और अब अगर ई और एफ ए की पॉइंट है तो एफ की जगह मैं ई लिख सकता हूं कि नहीं, डी ई पैरेलल टू बी सी, और यही चीज आपको क्या करनी थी, प्रूव करनी थी या नहीं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्ट ऑफ पीपीटी। देखो ये डी ई पैरेलल टू बी सी आपको प्रूफ करना था, डी ई पैरेलल टू बी सी टू प्रूव में है। क्लियर है इतनी बार या नहीं, आगे समझ में, मेन बात यही देखनी है आपने कि ई और एफ क्या है, सेम पॉइंट है, अगर सेम पॉइंट है तो मैं यहाँ एफ की जगह क्या लिख सकता हूँ, जो कंस्ट्रक्शन में हमने किया था ई लिख सकता हूँ ना, तो बस डी ई पैरेलल टू बी सी हो गया। क्लियर? ओके, थैंक यू।